स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि जानते ही हैं कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इसी तरह से बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफिल किया जाए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसको तीन हिस्से में बांटा गया है, हम भी देखते हैं। देखो, एक तो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये फर्स्ट है, ये आप देखो सेकंड है और ये थर्ड है। तो इन्हीं तीनों को हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो अगर जब भी टेस्ट में पूछा जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट मोटे तौर पे। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये रहा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारा। ये रहा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन शुड यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल सोर्सेज टू मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करना चाहिए कि जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको पता ही है ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं, और इसी तरह से उसके पास एसेट्स होते हैं जो कि मटेरियल रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं, उसको कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल वे में करें, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल उसका एडवांटेज उठाए। इससे क्या होगा, बिजनेस जो है सर्वाइव भी कर पाएगी और उसका प्रॉफिट भी अच्छा करेगी और ग्रोथ भी करेगी। तो बेसिकली देखा जाए तो यही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तीन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर एक बिजनेस के। पहला होता है सर्वाइव करना, दूसरा होता है प्रॉफिट अर्न करना और तीसरा होता है ग्रोथ करना। तो सबसे पहले हम सर्वाइवल पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो किसी भी तरह से सर्वाइव करे, है ना। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि वो सर्वाइव ना करे, क्योंकि बिजनेस ही नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो इसीलिए हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव व्हेन इट अर्न्स इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। हर एक बिजनेस चाहती है कि मैं वो किसी भी तरह से सर्वाइव करे। पहले प्रॉफिट नहीं देखा जाता, पहले देखा जाता है कि एटलीस्ट बिजनेस तो बनी रहे। जैसे आप देखोगे वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हो गई, क्यों, क्योंकि उनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था। जियो जब आया और उसने कंपटीशन में उनको कम्पीट किया, तो इनको मुश्किल हो रही थी कम्पीट करना और लॉसेस में जा रहे थे, तो इन दोनों ने आपस में मिल गए कि चलो एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं तो कम से कम हम सर्वाइव तो करें, बिजनेस में बने तो रहें। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे आप देखोगे एग्जांपल्स हैं सर्वाइव करने के। हर एक बिजनेस की ये स्ट्रेटजी होती है सर्वाइव करना। अब आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि बिजनेस का एक व्यू क्या है सर्वाइवल को लेके। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, बिजनेस की सर्वाइवल स्ट्रेटजीज होती हैं। बिजनेस सर्वाइवल स्ट्रेटजीज क्या हैं, स्ट्रेटजी कुछ लोगों का, देखो बिजनेस क्लास में कुछ लोगों का मानना है कि कह रहे हैं कि एनेक्डोट होता है बेटा एक स्टोरी, इट्स अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बिजनेस क्लास वर्ल्ड में। कह रहा है कि एनेक्डोट दैट अपीयर्स इन मेनी बिजनेस बुक्स टेल्स दैट इफ़ यू ड्रॉप अ फ्रॉग इनटू अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर इट विल जंप। सबको पता है अगर हम किसी फ्रॉग को उबलते हुए पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, सडनली वो जंप करेगा वहाँ से और बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे उसके लिए डेंजर है। बट इफ़ यू पुट इट इनटू अ कूल वाटर एंड देन ब्रिंग द लिक्विड इनटू अ बॉयल, तो फ्रॉग जो है एक्लिमेट करेगा कंडीशंस को और फिर वहाँ पे उसको डेंजर नोटिस नहीं होगा, तो दूसरे तरीके से रिएक्ट करेगा, उसी में बैठा रहेगा और एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि बिजनेस का मानना ये है, बिजनेस ऐसा करना नहीं चाहती एक्चुअली। बिजनेस बस एक कहावत है बिजनेस में कि बिजनेस को कोशिश करना चाहिए कि जो स्टार्टिंग की स्टेज जैसे ही आती है, जब उसको जैसे ही फ्रॉग के एग्जांपल से वो बता रहे हैं कि जैसे ही उनको लगता है कि यहाँ डेंजर हो सकता है तो उसको पहले ही उसको ओवरकम करना चाहिए, ठीक है। तो यही काम किया वोडाफोन और आइडिया ने, और यही काम करते हैं बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिससे कि वो अपने आप को बचा सकें। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं बिजनेस वर्ल्ड में इसको, सर्वाइवल को, ठीक है। तो हर एक बिजनेस कोशिश यही करती है कि सबसे पहले अपने आप को सर्वाइव करे। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का कि वो किसी भी तरह से सर्वाइव करे, ठीक है। उसके लिए वो कोई भी तरीके अपना सकती है सर्वाइव करने के लिए। जब सर्वाइवल उसका कंप्लीट हो जाता है तो बिजनेस का नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट करना, ठीक है। आफ्टर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल, वंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल इज कंप्लीटेड, व्हाट बिजनेस डू इज़ बिजनेस शुड मूव टूवर्ड्स अर्निंग प्रॉफिट। लुक हियर,
बिजनेस को क्या करना चाहिए, बिजनेस शुड लुक टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस को कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे. ठीक है, तो बिजनेस को जैसे ही उसका सर्वाइवल वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है तो बिजनेस को कोई भी तरीके अपनाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट किसी भी तरह से कमा ले. आज देखो, आज की डेट में अगर हम देखें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, प्रॉफिट कमाने का एक तरीका है. मैं अभी पढ़ रहा था लेटेस्ट ही, देखो मैं पिक्चर्स के थ्रू ही आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे इसमें यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं पढ़ रहा था जूम ऐप, आप जानते ही हो, आपने मे बी डाउनलोड भी किया होगा. तो आप देखो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, एक सर्वे हुई है जिसमें देखा गया है कि बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम ऐप के थ्रू कर रही हैं और आप फैमिलियर हो स्काइप के थ्रू करती हैं. तो ये क्या हुआ है, इसमें देखा गया है कि जूम ऐप को यूज़ करके और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है तो इसके लिए होटल्स बुक नहीं करने पड़ते, हर एक इंडिविजुअल अपने घर पे बैठे बैठे मीटिंग कंडक्ट कर लेते हैं और सारे डिस्कशंस हो जाते हैं. तो इसका बेनिफिट ये आया है कि ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें बाय 2020 US और UK के जो बिजनेसेस हैं उन्होंने 19 बिलियन तक का सेव किया है. 19 बिलियन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, UK एंड US बिजनेस दैट सब्स्टिट्यूट सम बिजनेस ट्रेवल्स विथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन कट CO2 emissions बाई नियरली 5.5 मिलियन मेट्रिक टन. सबसे पहले तो ये भी एक देखो इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट भी बच रहा है इससे, कि क्योंकि वो लोग ट्रेवलिंग नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या हुआ कि जो CO2 के emissions हैं, जो हार्मफुल जो रेडिएशंस होती हैं और आपको पता ही है कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है पूरे वर्ल्ड में, इसको ओवरकम किया है सबसे पहले तो. और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दे हैव सेव्ड ऑलमोस्ट 19 बिलियन. तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है. अगर आप इससे देखो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा पैसा बचा पाई हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस जो है प्रॉफिट कमाने के अपने अलग अलग तरीके ढूंढती हैं. अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है और ये जो कोविड डिजीज़ है इससे बचने के लिए अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस तो बंद हैं, खास करके अपने कंट्री में, हमारे प्रिय भारत में अगर आप देखो तो पूरा बिजनेसेस बंद हैं. तो अभी क्या हो रहा है, बिजनेसमैन जितने भी हैं अपनी मीटिंग्स जो कंडक्ट कर रहे हैं वो जूम ऐप के थ्रू कर रहे हैं, स्काइप के थ्रू कर रहे हैं. ठीक है, और जूम ऐप देखो एक तरह से देखा जाए तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो इसीलिए इसको लोग यूज़ कर रहे हैं. एज़ जो डाउनलोडिंग इसकी हुई है, रीज़न यही है इसका कि ज़्यादा इसलिए होगा कि क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है औरों के मुकाबले. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं प्रॉफिट कमाने में मदद मिल रही है उनको, और अब बिजनेस कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है प्रॉफिट कमाने का. ठीक है, किसी भी तरह से अगर वो उसे बचा लेते हैं अपने एक्सपेंसेस को तो ओवरऑल उनका क्या होगा, प्रॉफिट ही तो बचेगा. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं थर्ड पे. तो हमने दो पढ़ लिया, एक तो हर एक बिजनेस का अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि सर्वाइव करें, जब वो सर्वाइवल हो जाता है तो फिर वो प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं, और फिर आता है ग्रोथ. देखिए, बिजनेस अर्निंग प्रॉफिट्स अ बिजनेस मस्ट बिसाइड्स अर्निंग प्रॉफिट अ बिजनेस मस्ट ग्रो इन द लॉन्ग रन इन ऑर्डर टू रिमेन इन द इंडस्ट्री. देखो, बिजनेस को चाहिए कि वो ग्रोथ करें, हर एक बिजनेस चाहती है कि आगे चलती रहे चलती रहे. आपने देखा होगा हर बिजनेस अपना पैसा इन्वेस्ट करती रहती है जिससे कि वो आगे उसका फ्यूचर बना रहे. तो ऐसे आप देखो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हर एक बिजनेस करती है कि वो अपना ग्रोथ चाहती है कि किसी भी तरह से उसका ग्रोथ हो जाए. अब हम क्योंकि जूम ऐप का ही बात कर रहे थे, देखो जूम ऐप ने बहुत ही कंसिस्टेंटली ग्रोथ किया है, ऐसा नहीं है कि ये सडनली निकल के आया है. ये ऐप US बेस्ड ऐप है और US की कंपनी ने इसको बना रखा है. तो ये क्या कर रहा है, इस समय इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. और ये देखो, मैं चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से इसने अपने ग्रोथ को बढ़ाया है. अगर आप देखो यहाँ पे, आपको दिखा रहा हूँ एक मिनट, देखिए ये वाली, इससे देख सकते हैं हम कि जूम ऐप ने किस तरह से अपना ग्रोथ किया है. यहाँ देखिए, ये चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं. इसके तीन कंपटीटर्स हैं, यहाँ देखिए आप, एक तो है जूम, स्काइप और वेबएक्स. तो ये तीन कंपटीटर्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफ में ब्लू लाइन की जो है लाइन जो है दैट इज़ जूम की है, और रेड वाली जो है स्काइप की है. अब आप देखिए, सिर्फ इसी मंथ का हम देख रहे हैं, मार्च का, पिछले मंथ का, 1 मार्च से लेके 12 मार्च तक ऑलमोस्ट इक्वल हैं. फिर क्या हुआ है, 12 मार्च से लेके 20
23rd of March आप देखिए ग्रोथ हुआ है, और इसके बाद देखिए सडन स्काइप हुआ है और बहुत तेज़ी से, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ग्राफ एकदम तेज़ी से गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि बहुत तेज़ी से इसने ग्रोथ किया है। तो हर एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इसी तरह से ग्रोथ हो, और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करना चाहती है ओवरऑल। अगर आप देखोगे तो हर एक बिज़नेस चाहती है कि किसी भी कीमत पे उसकी ग्रोथ बढ़े। तो ये वाला पॉइंट हमने समझ लिया कि अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के अलावा बिज़नेस चाहती है कि किसी भी तरह से उसकी ग्रोथ हो, और उसके लिए क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ में वो एम्प्लॉयज़ को बढ़ाती है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। अब देखो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को कैसे, अब कई बार क्या होता है ग्रोथ बढ़ती है तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की डिमांड बढ़ जाती है। अब इस समय तो कोरोना वायरस चल रहा है, और इसके वजह से क्या है, ये US की कंपनी है, इसको आ रही है प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इसको बढ़ने की जगह उल्टा और घट रहे हैं। आपको पता ही है लॉकडाउन हो रखा है, और वहाँ ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ सिटीज़ में जैसे न्यूयॉर्क है वहाँ लॉकडाउन चल रहा है, तो प्रॉब्लम यही आ रही है इसके साथ। तो इसने क्या किया, इसके लिए एम्प्लॉयज़ को दूसरी जगह, इसने अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाया, क्योंकि इसको चाहिए ग्रोथ। अगर आप देखो यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है कि इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से ज़रा, इसने क्या किया है, और इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो रही है, क्योंकि ये US बेस्ड ऐप है, और कहा गया है कि इसने क्या किया, 700, देखो यहाँ से ये वाला देखो, जूम अपीयर्स टू 3 कंपनीज इन चाइना थ्रू विच एटलीस्ट 700 एम्प्लॉयज़ आर पेड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। अब बताइए सॉफ्टवेयर कहाँ से बनवा रही है, चाइना से। तो ये पाया गया है, और जब पूछा गया तो इसने ये सफाई दी है कि देखो हमारे पास एम्प्लॉयज़ कम है, हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग हम इन एम्प्लॉयज़ की मदद नहीं लेंगे, तो हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, पूरी दुनिया में हमारी डिमांड ज़्यादा हो रही है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा और हमारी ये ड्यूटी है। इस तरह के इन्होंने रीजंस बताएं, और आपको पता है कि ये फाइल जो हैं इनक्रिप्टेड होती हैं और फिर डिसइनक्रिप्ट किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसमें डिटेल में। तो इससे सिक्योरिटी रीजंस को लेके भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, और इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन उठा है, बट इसने क्या किया है, इसने अपने ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसने ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये सारी एक्टिविटी को फुलफिल किया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ग्रोथ कितना इंपॉर्टेंट होता है बिज़नेस के लिए, और हर एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ग्रोथ को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहती हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रोथ। हमने देखा बिज़नेस में हर एक बिज़नेस सर्वाइवल के लिए काम करती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करती है, और ग्रोथ उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो चाहती है कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा रख लिया जाए, सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाए। अब देखो जूम ऐप ने इन्वेस्टमेंट किया ना, इसने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, चाइना में कर दिया सडनली, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आ गया होगा। फिर अब आ जाते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखिए नाम से ही क्लियर है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सोसाइटी के पर्पज़ से किए गए हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को फुलफ़िल करने के लिए किए गए हैं। तो ये हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कह रहा है इट इन्वॉल्व्स फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। ऑब्लिगेशंस होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो बिजनेस जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सोसाइटी के प्रति फुलफ़िल करना चाहती है, और सोसाइटी के प्रति उसकी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। पहली क्या है, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द सोसाइटी। हर एक बिज़नेस को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रखे, यानी कि अपने बिज़नेस में उसे कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को मौका दिया जाए। ठीक है, अब इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ सकता है, दूसरे कंट्री में हायर करते हैं, और कुछ ऐसे एक्टिविटी भी परफॉर्म किए जाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हों। अब इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारे कंट्री की, सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये आप देखो खादी के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जो कि अगर आप देखो तो लुक वाइज भी उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्यों पहनते हैं, यही रीज़न है, वो चाहते हैं कि प्रमोशन मिले, इसको लोग देखें, देखा देखी पहनना शुरू करें। ठीक है, और इस पे गवर्नमेंट ने कुछ छूट भी दे रखी है। आप देखोगे खादी भंडार की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे आप जाओगे तो अलग से गवर्नमेंट जो है कुछ डिस्काउंट्स देती है जो गवर्नमेंट बियर करती है। रीज़न बड़ा सिंपल है, वो चाहते हैं कि जो है बहुत ज़्यादातर लोगों को जॉब मिले, और इसमें ज़्यादातर एम्प्लॉई वही जॉब करते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको बढ़ावा मिले। अच्छा, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। फिर आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो हर एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दें। आप देखो पूरी दुनिया भर में, आप देखो आईफोन के
जो आईफोन्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, हमेशा वो चाहती हैं कि अच्छी क्वालिटी दें और अच्छे सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करें यानी कि क्वालिटी भी अच्छी हो और सर्विसेज भी साथ में अच्छी प्रोवाइड करें, तो वो लोग चाहते हैं कि गुड क्वालिटी दें। अगर आप देखोगे बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो अच्छी अच्छी क्वालिटी देते हैं, किसी भी फील्ड में देख सकते हो आप। मैं आपको दिखाता हूँ, कार के फील्ड में भी अगर आप देखो तो बहुत सारे कार की कंपनियाँ हैं जो बनाती हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जैसे आप ये देखिए, रोल्स रॉयस ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक कार बनाया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार, एक तो ये एनवायरनमेंट को भी वो कर रही है और फिर बेस्ट क्वालिटी बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स के अलावा भी इन्होंने ये कोशिश की है कि कार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक होने की जगह ये और इसकी स्पीड भी अच्छी रहे। आप देखो यहाँ पे ज़रा इसकी स्पीड, क्योंकि क्वेश्चंस उठ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कार तेज़ नहीं चलेगी। अब आप इसकी स्पीड को ज़रा नोट करो, क्या क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्या इसकी डिज़ाइन में कहीं आपको प्रॉब्लम दिख रही है। तो इससे ये पता चलता है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी बनाने की कोशिश करती है और चाहती है कि लोगों को सर्विसेज दे। अब इतना स्पीड रखने की वजह यही है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड भी करना चाहती है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, टू व्हीलर्स निकले थे जो बैटरी वाले, जो टू व्हीलर्स हैं, स्पीड उनकी अच्छी नहीं थी, तो लोगों ने कहा नहीं अच्छी सर्विसेज तो नहीं है, गुड प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो उसको ओवरकम करने के लिए काम किया गया है। इसी तरह से आप देखो कि बहुत सारी जो हैं, देखो अब ये भी है कार, अब इसका भी कॉस्ट देख लीजिए आप, नंबर वन पे तो इनफैक्ट यही है, 3.2 मिलियन इसकी कॉस्ट प्राइस है, और आप देखिए 2020 के मिड में आप मार्केट में ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ये अब इसकी स्पीड भी देख लीजिए आप, इट कैन गो फ्रॉम 0.60 माइल्स पर आवर इन 1.69 पर सेकेंड्स। मतलब आप ये देख लीजिए, 1.69 सेकेंड्स में इतनी स्पीड पकड़ना, इट्स नॉट सिंपल जॉब। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि भाई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के काम हमारे लिए करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, इसके अलावा आते हैं प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। अब आप देखो उसी डायग्राम से आप समझ सकते हो, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक कार क्यों आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार इसीलिए तो आई हैं कि एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको ख़त्म करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को भी, अंडरस्टूड, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये है, नेक्स्ट देखो आप इसमें, अब एनवायरनमेंट इसमें आ जाता है, होप आ गया होगा आपको ये तीनों सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब आ जाता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो कि लास्ट है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या करती है बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस बहुत सारे ऐसे काम करती है जो अपने सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए करती है। क्या क्या काम है, सबसे पहले आप देख सकते हो कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न्ड विथ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की नीड्स को पूरा करने के लिए होती हैं। नंबर वन, गिविंग कम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स टू एम्प्लॉयज़। देखिए जितनी भी अच्छी अच्छी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ही अच्छी सैलरी देते हैं और पर्क्स देते हैं। पर्क्स मीन्स सुविधाएं, बेनिफिट्स, तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये करता है। देखो आप देखो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर हम देखें तो फिलहाल तो गूगल है और ये सब टॉप कंपनीज जो हैं हमारी। अब आप ये देखिए गूगल को, इसको देखो कितना ज़्यादा पर्क्स दे रही है। अगर हम देखें पर्क्स, सैलरी देखो, द हाइएस्ट पेइंग कंपनी इन 2019 पेज अ मीडियम सैलरी ऑफ 1,70,929 US डॉलर्स, ठीक है। तो ये जब आप देखोगे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा सैलरी देते हैं, ठीक है, और अलग से पर्क्स भी दे रहे हैं। देखो, ऑफरिंग एक्साइटिंग पर्क्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये सब काम करती हैं, ये बहुत ही अच्छे अपने एम्प्लॉयज़ का खास ध्यान रखती हैं और इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा अच्छा कर रही हैं इस समय वर्ल्ड में। फिर आ जाता है गिविंग रिकग्निशन टू द एम्प्लॉयज़। रिकग्निशन क्या होता है, रिकग्निशन होता है पीठ थपथपाना, बुलाया एम्प्लॉई को सबके सामने, उसकी तारीफ की, अब एम्प्लॉई इसी में खुश हो जाता है। देखो क्योंकि क्या हुआ है कि सर्वे होती हैं और गूगल ने ही इनफैक्ट सर्वे किया है, आप देख सकते हो फाइल में, मैं आपको फाइल के थ्रू दिखाता हूँ। गूगल ने एक सर्वे किया जिसमें इसने ये देखा कि ये देखिए गूगल क्या करता है, इसने देखो गूगल टेस्टेड अ प्रोग्राम, यहाँ पे देखिए इसको बड़ा करता हूँ, ये देखिए गूगल टेस्टेड अ प्रोग्राम टू जनरसली रिवार्ड द पीपल हु परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली विथ देयर अकम्प्लिशमेंट्स ऑफरिंग ह्यूज सम ऑफ मनी। बहुत ज़्यादा इसने देखिए, इनफैक्ट 1 मिलियन यानी कि
10 लाख इसने रुपए दिए US डॉलर्स अच्छे परफॉर्मर्स को। तो उसने क्या इसमें डिस्कवर किया कि लोग जेलियस हो गए, उससे नारा द्वेष भावना रखने लगे वो, ठीक है, तो जेलसी आई। फिर उसने क्या किया, दूसरे फेज में उसने क्या किया कि कैश ना देके, और उसने क्या किया कि रोल्ड आउट अ न्यू रिवार्ड प्रोग्राम दैट ऑफर्ड एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग फ्रॉम डिनर आउट टू न्यू गैजेट्स। तो डिनर कराया, गैजेट्स वगैरह दिए, और दूसरे चीज़ें कुछ ऐसे काम किए जो बहुत अच्छे दूसरे तरह के काम किए, जैसे इंटरनेशनल टूर पे भेज दिया। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ज़्यादा इन्जॉय किया, ये उनके लिए मेमोरेबल रहा और उन्होंने इसे लाइक किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इससे हमें समझ में आता है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एम्प्लॉयज़ को रिकग्निशन भी देती हैं, यानी कि उसको शाबाशी देने वाला काम करती हैं, और इससे वो काफ़ी सेटिस्फाई रहता है, ठीक है। और फिर आता है लास्ट में सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की नीड्स को फुलफिल करना। अब देखो एम्प्लॉयज़ की नीड्स तो बहुत होती हैं आजकल इंडिया में, तो एम्प्लॉयज़ की नीड्स वास्ट हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हम जॉब करते हैं, घर आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहता। तो इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी नीड्स को फुलफ़िल करने में मदद करती हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप इसमें देखिए गूगल की हेडक्वार्टर है, माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर्स है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ है कि आप इसमें देखो कि इन अ बिड टू कीप इट्स एम्प्लॉयज़ ऑन अ कैंपस फॉर अ लॉन्ग एज पॉसिबल, गूगल माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ पर्क्स इंक्लूडिंग फ्री फूड, जिम फैसिलिटी देना, ड्राई क्लीनिंग वगैरह कराना, कपड़े धो सकते हैं वहाँ पे, मतलब दूसरों मतलब सारी फैसिलिटी है, धो नहीं सकते मतलब कंपनी करा के देगी ये सब काम, आपको कुछ नहीं करना है आपको। तो पाया गया इसमें देखिए अना लाइटर नोट अगर देखा जाए तो 1% ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है, 1% ऐसा भी था जो 2 to 3 years रहा वहाँ पे, ठीक है, और जिम का पूरा जम के इस्तेमाल किया, और उसने जो है कपड़े उपड़े भी यहीं पे धुलवाए, एंड एट एवरी मील, हर एक खाना, हर तरह के खाना उसने खा के वहाँ पे अपना पूरा लाइफ को इन्जॉय किया। तो लेकिन कंपनी ने कभी मना नहीं किया, गूगल जो गूगल का हेडक्वार्टर है वहाँ पे आप जो एम्प्लॉयज़ हैं इसके जो वहाँ जॉब करते हैं उनके लिए फ्री है, आप जब मन करे रहो, जितने दिन रहना है रहो, जो फैसिलिटी चाहिए, जो खाना चाहिए, सब चीज़ वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कई लोग तो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, घर जाना ही नहीं चाहते कई, तो वहीं पे अपना बहुत बड़ा बना रखा है, मूवी देखने के लिए थिएटर है और सारी ए क्लास फैसिलिटी हैं, तो लोग वहीं अपने कई लोग रह जाते हैं दोस्तों में आपस में एम्प्लॉयज़, चलो भाई आज यहीं पे पार्टी कर लेते हैं, इनफैक्ट पार्टी की भी व्यवस्था की गई है वहाँ पे। तो अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो एम्प्लॉयज़ को पूरा मदद करती है गूगल, ठीक है, और ऐसे बहुत सारी सुविधाएँ देती हैं गूगल। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है ये एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए सारे काम किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और ये तीनों जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ, फिर आता है सोसाइटी के लिए जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है, अच्छे क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड काम करना है, और लास्ट में था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जिसके अंदर है कि कम्पिटिटिव सैलरी दो, रिकग्निशन दो, शाबाशी दो एम्प्लॉय को, उसी से काफ़ी खुश रहता है, हमने जैसा कि पढ़ा था, और सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ को जो है तरह तरह की जो भी सुविधाएं हैं वो उसको आप दीजिए, तो उससे क्या होगा एम्प्लॉय काफ़ी खुश रहता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एक दो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये है, ये इंपॉर्टेंट मतलब आपको आ ही जाएगा, देखिए इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी, कि एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का कि वो कंसिस्टेंटली इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करे, ठीक है, और वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए। तो कह रहा है दो एग्जांपल बताओ, तो ये तो हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि सोसाइटी के लिए पूछा है, तो आपको पता ही है सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, कोई भी दो आप बता सकते हैं, हमने तीन पढ़े थे, इन्होंने जो बताया एक तो यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट जैसे हमने कार का डिस्कस किया था कि ये सोसाइटी के लिए काम किया है, जो कार्स ने जो टेस्ला कंपनी है और भी बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने ये कार बनाई हैं इलेक्ट्रॉनिक, इनफैक्ट इस पे आईफोन भी एप्पल भी काम कर रहा था, लेकिन किसी वजह से वो प्रोजेक्ट उसका टाइम रहते पूरा नहीं हो पाया, तो वो वाला जो प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल आउट करना पड़ा। फिर इसी तरह से आ जाता है
Google employment opportunity giving employment opportunity to disadvantaged sections of the society. हमें business organization क्या करती है, अगर आप देखो employment provide करती है society के लिए, ठीक है, तो कोशिश करती है कि society के लिए employment ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए. ठीक, एक question और है ये, Sana Limited is a company producing fans. ये company है जो produce कर रही है fans. तो कंपनीज प्रॉफिट आर इनफ फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ये इतना है कि आसानी से कंपनी जो है सर्वाइव भी कर लेगी और ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगा. तो मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी बिलीव दैट सेटिस्फाइंग एम्प्लॉय क्रिएट्स अ सेटिस्फाइड कस्टमर. कंपनी का ये मानना है कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा तो कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा. उसका ये मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो हु इन टर्न क्रिएट्स अ प्रॉफिट. अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा तो प्रॉफिट करेगा और इससे जो है शेयर होल्डर जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया वो भी खुश होंगे. तो सो इट पेज कम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स टू इट्स एम्प्लॉय. तो ये क्या करती है, कम्पिटिटिव सैलरी और कम्पिटिटिव पर्क्स वगैरह देती है अपने एम्प्लॉय को. तो देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है साफ कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है. अगर हम कम्पिटिटिव सैलरी और पर्क्स दे रहे हैं तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है, यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को. अंडरस्टूड. और सर्वाइवल और ग्रोथ देख ही सकते हो आप, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का है. ठीक है, क्योंकि बिजनेस जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी. तो कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंपनी क्या करती है, इसके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है, इसका सेंस ज़्यादा है. इट हैज़ सेट अप एन इंजीनियरिंग कॉलेज. इसने क्या किया है, बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोल रखा है जिसके अंदर 50% स्कॉलरशिप भी देते हैं. जो अच्छा पढ़ते हैं बच्चे उनकी फीस जो है माफ़ कर दी जाती है 50%. तो क्वेश्चन ये है कि इज़ द मैनेजमेंट ऑफ Sana Limited फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स. क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है, आपको रीज़न देते हुए बताना है. तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल कर रही है. ठीक है, क्यों कर रही है, क्योंकि अगर आप देखो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी. तो कह रहा है कि आप इसको कोट करके बता सकते हैं, एग्ज़ाम्स में कोट करके ही पूछेंगे. तो कोट करने के लिए आपको इसमें से पूरा पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ना है और देखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल का कौन सा है, सोशल का कौन सा है, ठीक है, और इंडिविजुअल कौन सा है. और उसको कोट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कोट करना है तो यहाँ से ऐसे कोट करके ये बता दिया, या कम भी कोट कर सकते हो, दो तीन लाइन लिख के डैश डैश लगा के लास्ट के दो वर्ड लिख दिए, इस दो सेंटेंस. तो इस तरह से आप कर सकते हो. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आ गया होगा. अगली क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप इतना जब तक नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से थरली एक बार फिर से सेल्फ स्टडीज़ को करो टॉपिक को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से आ जाएगा. और मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें कोट करके, कि वो तीन ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से कहाँ तक है और सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से कहाँ तक है. बहुत ही आसान है, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको दिख रहा है, तो इसको आप कोट कर सकते हैं. ठीक है,